आज मैं जा रहा हूँ इरावन नेशनल पार्क, जो स्कूटर मैंने रेंट पे लिया था कल कांचनापुरी एक्सप्लोरेशन के लिए। मैंने एक दिन और एक्सटेंड कर लिया है उसको, मैंने कल रिटर्न नहीं किया क्योंकि आज मुझे वो इरावन नेशनल पार्क जाना है, तो मैंने उसको आज के लिए भी रख लिया। इरावन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत सा फॉल्स है, वाटरफॉल है एक नेशनल पार्क के अंदर, जिसी का नाम इरावन नेशनल पार्क है, और फॉल्स भी इरावन फॉल्स है जो कांचनापुरी सिटी से 65 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा कि एक शेयर्ड कोच कर लूँ या बस में चला जाऊँ, फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यू नो कन्वीनियंस, अपना इंडिविजुअलिटी, अपना फ्लेक्सिबिलिटी रहे, तो मैंने ये स्कूटर को फिर से स्कूटर को सबमिट नहीं किया, जमा नहीं किया, इसको थोड़ा रिन्यू कर लिया एक दिन के लिए। तो अभी मैं कुछ 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, हाईवे पे हूँ, ये सीधा रोड जाती है इरावन नेशनल पार्क। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, ये जो इतनी छोटी बाइक है ना, ये 75 cc की होंडा जूमर एक्स बाइक है, इसके पहिए भी छोटे छोटे हैं, और 60 के ऊपर स्पीड लो तो ये एकदम कांपने लगता है, और इतने छोटे छोटे पहिए हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। इसके ग्रूव्स भी कुछ खास नहीं है, जब आप हाई स्पीड में रहते हो ये जो लाइन डिवाइडर लाइन है ना, या फिर वो लाइन, इसके ऊपर से जब अगर आप चलते हो तो बाइक ना बहुत एकदम करते तो फटने लगती है। और ये इतना खुला रोड है, जो बाजू में से गाड़ी जाती है तो विंड ब्लास्ट होता है, उसमें भी बाइक थोड़ा ऐसे हो जाती है, तो मुझे थोड़ा डर ही लग रहा है। मैं 50 के ऊपर स्पीड नहीं लूँगा, मुझे थोड़ा सा भारी बाइक लेना चाहिए था। कुछ 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया मैंने, नेशनल पार्क मोस्टली चालू हो गया, ये चारों तरफ जंगल, वहाँ पे पहाड़, थोड़ा सा टूअर्स का फील आ रहा है, गुरुमारा चापरामारी उस टाइप का, ऐसे रोड से मैं जा रहा हूँ, मस्त सा सीन है। और जो गाड़ियाँ जा रही है ना, जो विंड ब्लास्ट हो रही है ना, मेरी बाइक हिल रही है ऐसे, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका हूँ क्योंकि इतना मतलब इतना यूज टू नहीं, उतना हैबिट नहीं है टू व्हीलर चलाने की कॉन्स्टेंट, और इसकी स्पीड 70 मैक्सिमम है, उसके ऊपर ये 80 तक गया था मैं, लेकिन ये कांपने लगा था तो 70 पे जाना पड़ रहा है, लेकिन बाकी गाड़ियाँ 100 120 पे जब बाजू से जा रही है तब भाई साहब जो ब्लास्ट आ रही है, ये जो आ रही है, ये ब्लास्ट आएगी, ये जो इसमें ना कांपने लगती है सब कुछ। तो एनीवे मैं निकल लेता हूँ, आपको इरावन नेशनल पार्क पहुँच के बताता हूँ। ये है पार्किंग लॉट इरावन नेशनल पार्क की, एंट्री फी है 300 बाट फॉरेनर्स के लिए और थाई लोगों के लिए 60 बाट, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, और अगर टू व्हीलर पार्किंग के लिए 20 बाट। कंचनापुरी से बहुत लोग ये कोचेज में आए हैं, सब फॉरेनर्स ही है। और ये है मेरा नन्ना मुन्ना सा मोपेड, मेरा स्कूटर, इसको मैंने बहुत कष्ट दिया, सॉरी भाई, यू हैव बीन अ गुड फ्रेंड, मुझे सेफली पहुँचा देना कंचनापुरी तक। अभी चलते हैं हाइक पे। Where is the hike? Yeah. आगे ये वाटरफॉल है, ये थाईलैंड का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, ये 7-tiered वाटरफॉल है, 7-tier, 7 माला है इसकी, और इसकी सबसे खूबसूरत पार्ट है 3rd, 5th, and 7th, पूरा 7 माला देखने के लिए आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, एंड द हाइक इज ओके, इट्स ओके हाइक। वाटरफॉल, where is the waterfall?
कंक्रीट का पीच कर, ट्रेल एक्चुअली चालू नहीं हुआ है बट चल रहा है। अच्छा यहाँ पे जब आओ, ये एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे सिगरेट, दारू, लाउड म्यूजिक, प्लास्टिक, ग्लास कंटेनर्स, ये सब लाना एकदम वर्जित है, 2000 भाट की फाइन है। तो ये है यहाँ पे 7 वाटरफॉल के लोकेशन, पहला 500 मीटर पे, उसके बाद दूसरा 600, तीसरा 700 मीटर पे, ये आपके हाइट है एक्चुअली, फिर 1050, 1550, 1750 और आखिरी 7वां 2000। मुझे 3, 5 और 7 सबसे खूबसूरत है। एक सुंदर सा पूल बनता है मुझे, मैंने सुना है, तो वो देखना है। तो सारे फिरंगी लोग उधर गए हैं तो मैं भी अकेला हूँ, चलता हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे थटेगढ़ की याद आ रही है, केरला में वेस्टर्न घाट्स का ऐसा ही था कुछ, थोड़ा थोड़ा अल्बेनिया जैसा याद आ रहा है, हम लोग जब ब्लू आई और डरवे से देखने गए थे। वो व्लॉग अगर नहीं देखे हो तो देख लो। और ये है लेवल 1, सबसे अनइम्प्रेसिव लेवल 1। यहाँ लोग तैरते भी है, नहाते भी है, तो इसलिए लाइफ जैकेट पहनना मस्ट है। तो यहाँ पे लाइफ गार्ड्स होते हैं, लाइफ जैकेट दे देंगे आपको। ये है लाइफ वेस्ट, अगर आपको नहाना है इधर तो इट्स मैंडेटरी लाइफ वेस्ट, 20 भाट 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद 10 भाट, और 2 घंटे के बाद 10 भाट एवरी आवर। मुझे उतना तैरना वैरना नहीं है, मैं बस नॉर्मल जाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेस भी है, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे व्हील चेयर वे में। तो एक बहुत ही थॉटफुल इनिशिएटिव है। इसके बाद द गोइंग गेट्स टफ। तरिया फोटो खिंचाने की, तैरने की, टाइम स्पेंड करने की, सुंदर है ये पूल है ना, ये कितना सुंदर लग रहा है देखो। और यहाँ पर कुछ मछलियाँ भी हैं, इनसे डरना नहीं, ये कुछ नहीं करते। अच्छा यहाँ पे गार्ड्स हैं, ये हमेशा सर्विलियंस कर रहे हैं ताकि कोई इधर उधर ना चले जाए, कोई मतलब गलत काम ना कर दे, यहाँ पे कोई मतलब गलत काम ना कर दे, गंद ना फैलाए, रूल्स का पालन करें, तो इसलिए हमेशा फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे मौजूद है, लाइफ गार्ड भी है ये लोग। आप भले ही लाइफ जैकेट पहने हो अगर, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया, ये लोग आपको बचाने के लिए पूरी इक्विप्ड है। इसके बाद आपको प्लास्टिक बॉटल्स जमा करने होंगे। लेवल 2 के बाद प्लास्टिक बॉटल्स सब कुछ जमा करना होता है। मेरे पास तो कोई प्लास्टिक बॉटल है नहीं, खाना भी नहीं है मेरे बैग में। I can drink here. You can bring water, you can make it to bring back the bottle. Okay.
ओके ओके बट दे वांट टू मेक यू आफ्टर ब्रिंग इट अप सो नो नो आई नो आई नो आई नो सो वेयर यू कैन बाय नाउ ऑन द लेफ्ट ओके थैंक यू तो 20 भाट जब ये खाली बॉटल में लेके आऊंगा या फेंक दूंगा 20 भाट मुझे वापस कर दिया जाएगा तो लेवल 2 तक तो इजी था इसके बाद थोड़ा टफ हो रहा है 150 मीटर में लेवल 3 लेवल 4 देखता हूँ लेवल 5 तो बहुत दूर है भाई बहुत से लोग वहाँ पे यूरोपियन लोग पूरा नहा रहे वहाँ पे एकदम फुल पार्टी सीन है यहाँ पे लेकिन मैं कम नहीं लिया लाइफ जैकेट मुझे पानी में उतरना नहीं है क्योंकि आज ट्रैवल भी करना है फ्लाइट भी पकड़नी है रात को इतना झंझट नहीं ले सकता मैं फिलहाल मैं एक अच्छे फोटो स्पॉट के लिए ये नी डीप घुटों तक पानी में जा रहा हूँ और यहाँ तक तो आ ही सकते हैं लाइफ जैकेट के बिना अरे ये कमबख्त पेड़ है इसके लिए फोटो नहीं आएगा ठीक ठाक अरे यार मछली काटने लगी है मछली आके पैरों में एक्चुअली पैर का जो वो डेड स्किन है ना वो खाते हैं हमारे पैर में फीट में जो डेड स्किन होते हैं उंगलियों में वही वो खाते जाते हैं अरे देखो 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 गुदगुदी सी होती है वो फिश स्पा याद है फिश स्पा जो पैर बैठे रहते हो फिश आपकी डेड स्किन खा जाते हैं जैसे पार्लर में होता है वही नेचुरल यही हो रहा है ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये जो सारे जंगल है ये सालों भर ऐसा ही रहता है एवरग्रीन ओ भाई साहब क्या सीढ़ियाँ है इधर लेवल 4 जाने के लिए ये सारा एरावन नेशनल पार्क जो भी इंस्ट्रक्शन है वो थाई में है इसलिए कुछ समझ में नहीं आएगा बट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वेरी ब्यूटीफुल तरह तरह के पक्षी बटरफ्लाइज मंकीज यहाँ पाए जाते हैं अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं बर्डिंग के शौकीन हैं तो एरावन नेशनल पार्क ज़रूर आइए मेरे चैनल में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बर्डिंग में रुचि रखते हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा नेचर के पास आना है तो एरावन नेशनल पार्क ज़रूर ये है लेवल 4 और देखिए बच्चे कहाँ पहुँच गए शरारती बच्चे वो लेवल 3 में भी थे लेवल 4 में भी आ गए मेरे से पहले ये एक मस्त स्लाइड है ये मैंने YouTube वीडियो में देखा है किसी के ब्लॉग में तो यहाँ आओ तो यहाँ से स्लाइड करके नीचे आओ तो ये लोग भी वही स्लाइड कर रहे हैं
जाओ यार। टाइम अगर होता दोस्तों के साथ आता तो जरूर मैं भी पानी में कूदता। चलो दोस्त, इसके बाद अब टूरिस्ट कम लग रहे हैं। इससे पूछता हूँ, हे हाउ फार इज इट? क्वाइट फार। लेवल लेवल 5। यू आर अप टिल लेवल 7? इट्स वर्थ इट। बहुत लोग लौट रहे। हाउ फार इज इट? फिलहाल लेवल 5 तक पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कहां तक। नहीं बहुत लोग गए हैं यार, मैं भी पहुंच। हाउ हाफ एन आवर टू लेवल 7 और 5? 7 हाफ एन आवर इज ओके। अरे ये बुजुर्ग मोहतरमा, ये दादी भी चली चल पड़ी है, मैं क्यों नहीं जा पाऊंगा? ये तो मस्त है। इज इट फार? नॉट दैट फार। ओके अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है? सांप जैसा लग रहा है। ये किसी पेड़ का जड़ है ये, जो ऐसा सांप जैसा। अभी बस 2 पड़ाव बचते हैं, 6 और 7। उसके बाद इसी रोड से वापस जाना है। एकदम डाउनहिल नहीं है, अपहिल डाउनहिल दोनों है, तो उतना ही टाइम लगेगा एग्जिट तक पहुंचने में, एंट्री तक पहुंचने में। प्लीज कम। यहाँ पे तो मस्त फोटो सेशन चल रहा है, मैं भी अपना फोटो खिंचा लेता हूँ। पसीने में एकदम लथपथ हो गया हूँ मैं, भयंडी क्या फोटो खिंचाऊंगा। अब मैं समिट के थोड़ी पीछे हूँ, अब मैं समिट से बस 2 कदम पीछे हूँ। ये हाइक 4th वाटरफॉल के बाद ये 5, 6, 7 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हाइक हो जाता है। सीढ़ियाँ बहुत है, बहुत सीढ़ियाँ। अच्छा है कि इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है,
लेकिन बहुत स्टीप स्टेयरकेस है। मेरे पसीने छूट रहे हैं, टी शर्ट गीला हो गया है, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए, अब रुकना नहीं, अंत तक देख के ही जाना है। This is it. This is the summit. You are the conqueror. I am the conqueror of Erawan waterfall. अगर मुझे कोई बोले कि सबसे अच्छा कौन सा है, मैं बोलूँगा इस थर्ड वन, वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा नीला है, द मोस्ट ब्लू इज द थर्ड वन। और यहाँ पे व्यूज मत अच्छे, देखिए चट्टानों से ऊपर से कहाँ से ये रिवर, ये झरना आ रहा है, इतने 7 लेवल है इसके, फिर जाके शायद वो जो रिजर्वायर है क्वाई रिवर में ही मिलता है। तो यू कैन इमेजिन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। आज का दिन बहुत हेक्टिक होगा, अभी नीचे जाना है, स्कूटर उठाना है, कंचनपुरी पहुंचना है, स्कूटर जमा देना है, बैग लेके बस स्टेशन जाना है, सॉन्ग थ्रो लेके बस पकड़ के बैंकॉक जाना है, बैंकॉक में से ग्रैब लेके एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट में घर जाना है, बहुत बहुत ट्रैवल करना है आज, लेकिन दिस वाज वर्थ इट। मैं शहर के पास हूँ, इस हाईवे पे ना पेट्रोल पंप बहुत कम है, मेरा तो रिजर्व लाइट ब्लिंक होने लगा था, मेरी तो फट गई, अगर यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है तो क्या करता। चलो अभी 2 बार दिखा रहा है, लेकिन ये मुझे फुल टैंक वापस देना है, तो मैं सोच रहा हूँ यही बेटर है, यहाँ पे पेट्रोल भरा लूँ। ये एक पीटी मैक्स यहाँ के थाईलैंड का सबसे बड़ा पेट्रोल रिटेल कंपनी है, तो यहाँ पे आया हूँ। ये लोग पेट्रोल को बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन 95, हाउ मच, 35 भाट है, मतलब 80 रुपए है, इंडिया से बहुत सस्ता है। यू गिव मी 5 लीटर, बहुत मुश्किल है समझाना कि क्या लेना है, तो 95 ऑक्टेन फ्यूल ले रहा हूँ। ओके हाउ मच, दिस फुल यार, 5 लीटर बोला और मैं इसने 1.5 लीटर में ही 12.5 बार फुल, ऑलमोस्ट फुल हो गए एक को छोड़ के, मतलब पता नहीं इस गाड़ी का टैंक कैपेसिटी कितनी है। तो मैं देखता हूँ ये मोहतरमा भर रही है, ये फुल हो जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा इसको। आई डोंट अंडरस्टैंड, डू यू स्पीक इंग्लिश? The first time 50 baht. So 123 baht. 2 times. Oh, okay. अरे पहले 50 baht भरी, फिर 73 baht भरी, तो टोटल 123 baht. तो या 2 लीटर या 3 लीटर। लोग बहुत disciplined है यहाँ पे driving के मामलों में। ये एक्चुअली तरीके से देखा जाए तो ये बाइक लेन है, स्लो, ये स्लोएस्ट लेन है, फिर सेकंड स्लोएस्ट, फिर वो लास्ट है फास्टेस्ट। मैं ना फास्ट लेन से चला रहा था और मेरी तो मोपेड है स्लो है, मैं देखा बहुत टाइम से पीछे एक गाड़ी रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे 5-10 मिनट से पीछे ही लगे, वो ओवरटेक नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करेगा वो, और ना तो वो हॉर्न बजा रहा है ना तो वो फ्लेयर मार रहा है। फिर 10 मिनट बाद एक स्लाइड सा हॉर्न दिया, तो मतलब पोलाइटली बोला कि यार आप गलत लेन में हो, तो मैंने सोचा चलो भाई ये मेरी गलती है, मैं स्लो लेन में आ जाता हूँ, तो मैं स्लो लेन में आ गया, तो वो मुझे ओवरटेक किया और जाते जाते मस्त सा स्माइल दिखे गया वो, मतलब जब ऐसा कोई करता है ना तो सच में दिल खुश हो जाता है, और सच में पीपल आर वेरी डिसिप्लिन इन द ड्राइविंग, हॉन्किंग बिल्कुल नहीं है, लेन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ये लोग, राइट ऑफ वे है, छोटी गाड़ियों को जाने देते हैं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को बुली नहीं करता, जैसे हमारे उधर आप अगर फॉर्चूनर ले लिया हो, एंडेवर चलाते हो, तो आप शहनशाह हो रोड के, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं लेकिन कोई भी बुलिंग सेंस नहीं है, वो बोला एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना इंडियंस को, कि बड़ी गाड़ी चला रहे तो ये सामने ऑल्टो चल रही है, बाइक चल रही है, मार हॉर्न उसको, वो वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है।
तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए कैसे रोड डिसिप्लिन, ज़ीरो हॉन्किंग, मिनिमल हॉन्किंग के ज़रिए ड्राइविंग कल्चर को और भी बेहतर बनाया जाए। और बात करते करते कांचनापुरी और 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर बाद ये बाइक भी देना पड़ेगा, मैंने फुल टैंक भी करा लिया है, तो गुड डील। मैं अपना रेंटल मैं पहुंच गया वो कांचनापुरी जहाँ से मैंने बाइक लिया था, वहीं पे ये मेरी नन्ना मुन्ना सा जूमर स्कूटर को रिटर्न करने आया हूँ। यू आर अ गुड फ्रेंड, याद रहेगा तुमको मेरे साथी धन्नो, यू आर ग्रेट। हालत ख़राब हो गई यार, इतने टाइम तक मोटर बाइक पे बैठे 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 पीठ दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है, पिछवाड़ा दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, और मेरे हाथ की हालत देखें एकदम सूज, मतलब मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ अपने हाथ को। कड़ी धूप में घंटों तक बाइक चलाना इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम हुआ ये। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं टू व्हीलर पे ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स चलाऊंगा। इस ट्रिप में मैं दो दिन से बाइक ले रखा है, इस ट्रिप में मैं एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स तो चला ही लिया होगा। अभी मैं यहाँ पे ठंडा पानी पीता हूँ और इनसे जो डिपॉजिट है वो वापस लेता हूँ। थैंक यू खपकुन खा, 500 बाट उन्होंने वापस कर दिया है। मैं रेकमेंड करूँगा चाचा रेंटल कार कंचनापुरी में। अभी मुझे खाना है, लगेज लेना है, फिर बैंकॉक के लिए रवाना होना है बस से, शायद 3 बजे का बस पकड़ लूँगा। मान्यवर फिर से पहुंच गया हूं मैं बैंकॉक, ये है वही मो चिट बस टर्मिनल, ध्यान रहे ये मिनी बस टर्मिनल और वो है बिग बस टर्मिनल। सामने ये बस आ रही है चांगमाई से, चांगमाई अगर जाना है जो लॉन्ग डिस्टेंस बसेस है वो वहाँ से छूटती है, बैंकॉक चांगमाई। तो अभी मेरा ट्रिप ख़त्म होने को है, अभी यहाँ से मैं एक दोस्त के घर जाऊँगा, वहाँ थोड़ा रेस्ट लूँगा, बैंकॉक में ही रहता है ये दोस्त, वहाँ से मैं फ्रेश फ्रेश होके, रात की 3 बजे फ़्लाइट है आज, अभी शाम के 6:30 बज रहे, थोड़ा फ्रेश होके 11:30 निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो अभी मेरा और ब्लॉग बनाना नहीं बनता, ट्रिप ख़त्म ही हो चुका है। कैसा लगा बताइएगा ये ब्लॉग, ये सीरीज़ सेकेंड थाईलैंड सीरीज़ कैसा लगा? और देखिए बैंकॉक चांगराई से बस आ रहा है, चांगमाई अलग सिटी है, चांगराई अलग सिटी है, ये चांगराई वाली बस है, पिछली वाली बस चांगमाई से आ रही थी, ये चांगराई से आ रही है। ये दोनों जगह भी मुझे जाना है कभी ना कभी, बहुत सुंदर है चांगमाई और चांगराई। थाईलैंड एक बार कभी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, मेरा 2 बार हो गया, आई होप उम्मीद करता हूँ कि बहुत बार फिर से मैं थाईलैंड आऊँगा। घर के इतने पास इतना सुंदर देश है, वीज़ा फ्री दे रहे हैं, क्यों ना इसे देखे जनाब, और बार बार क्यों हम लोग बैंकॉक फुकेट पटाया जाए, और भी चीज़ें हैं और भी जगह है, वो सब भी तो देखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और इस बेल बटन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंकॉक मो चिट बस टर्मिनल।